अगर आपने अमेज़ॉन पे पीसी कैबिनेट के बारे में सर्च किया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी, कुछ पीसी कैबिनेट आपको काफ़ी चीप प्राइसेस में मिलते हैं और जो फीचर आपको ऑफर करते हैं ना वो लगभग इम्पॉसिबल है उस प्राइस रेंज पे देने पे। लिटरली मैं आपको बताऊं जो कि ब्रांडेड कैबिनेट्स आपको जो फीचर 10,000 रुपये कैबिनेट में देते हैं, कुछ ब्रांड्स जो है आपको जो कि चीप कैबिनेट्स बनाती हैं वो लिटरली आपको 2-3 हज़ार रुपये कैबिनेट में वो चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं। अब क्या कॉम्प्रोमाइजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक ब्रांडेड कैबिनेट में एक चीप कैबिनेट में, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि इनकेस अगर आप फ्यूचर में कोई चीप कैबिनेट लो तो एटलीस्ट आपको भी पता हो कि आपने कहाँ कहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। वेल तो अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर, सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई कूलर मास्टर। अगर आप यहाँ पर बजट में हैं और एक ब्रांडेड पीसी केस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कूलर मास्टर का K501L जरूर चेक करना चाहिए। 3500 रुपए का आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, बेहतरीन एयर फ्लो के साथ टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल देखने को मिल जाता है विद गुड एयर फ्लो, और जो क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। तो यार अगर आपका बजट 3500 रुपए है और आप एक ब्रांडेड पीसी केस लेना चाहते हो तो आप कूलर मास्टर के साथ जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कैबिनेट का लिंक दिया हुआ है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है वो होता है क्वालिटी में। कभी भी अगर आपने देखा होगा अगर चीप पीसी केस में डेंट जब पड़ता है ना तो उसका सबसे पहले डेंट के साथ साथ पेंट निकल जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि जो पेंट जॉब की गई है चीप पीसी कैबिनेट में वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी की है। दैट इज़ वाई पेंट जो निकल जाता है ना वो काफ़ी जल्दी निकल जाता है। दूसरी तरफ अगर आप एक ब्रांडेड पीसी केस में जो डेंट लगता है ना, पहली बात तो डेंट बहुत मुश्किल से लगता है, और अगर डेंट लग भी जाता है तो पेंट वहाँ से आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि ब्रांडेड पीसी केस में जो पेंट जॉब करी जाती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, ताकि इन फ्यूचर अगर डेंट आ भी जाए तो पेंट ना हटे, ताकि डेंट जो आपको हो वो कम से कम विजिबल हो, जो कि चीप केसेस में आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है वो होता है थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट। यहाँ पर जो चीप कैबिनेट होते हैं उनमें जो स्टील प्लेट जो यूज़ करी जाती है वो काफ़ी थिन होती है, मतलब कि काफ़ी पतली होती है। दूसरी तरफ जो ब्रांडेड कैबिनेट होते हैं उनकी जो स्टील प्लेट होती है वो काफ़ी थिक होती है। तभी जब आप चीप पीसी कैबिनेट लेते हो ना तो वहाँ पर आपको फ्लेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है उनकी मेटल प्लेट पर, और डेंट भी बहुत आसानी से पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक महंगा कैबिनेट लेते हो, एक ब्रांडेड कैबिनेट लेते हो ना, तो वहाँ पर आपको बेंड या फ्लेक्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जो कि ये दर्शाता है कि जो उनकी मेटल प्लेट है वो काफ़ी थिक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको दोनों ही पीसी केसेस में क्वालिटी में काफ़ी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते हो, वो होता है वायर्स का। यहाँ पर जो ब्रांडेड पीसी केसेस होते हैं वहाँ पर जो वायर्स होते हैं उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मीनवाइल चीप पीसी केसेस में आपको ऐसी देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो ब्रांडेड कैबिनेट होते हैं उनकी जो वायर्स होती है वो अंदर से ब्रेडेड होती है, ताकि जब आप यूएसबी से डेटा ट्रांसफ़र करो या कोई डेटा का ट्रांसमिशन हो तो वो डेटा पैकेट्स लॉस ना हो। दैट इज़ वाई जो ब्रांडेड कैबिनेट होते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है, चीप पीसी कैबिनेट में अगर आप यूएसबी 3 पे डेटा ट्रांसफ़र करते हो वो काफ़ी स्लो होता है। यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि डेटा पैकेट्स बीच बीच में लॉस होते हैं। तो भले ही अब आपको विजुअली डिफरेंस देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन एक ब्रांडेड कैबिनेट में यह चीज़ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो होता है वायर की क्वालिटी में। यहाँ पर जो ब्रांडेड पीसी कैबिनेट होते हैं उनके जो वायर्स होते हैं वो बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो जब आप अपना पीसी इन फ्यूचर अपग्रेड करते हो, अपना ब्रांडेड कैबिनेट हटा देते हो ना, तो वो एनवायरमेंट के लिए उतना डेंजरस नहीं होते हैं, वो टाइम के साथ डिकम्पोज भी हो जाते हैं। वही अगर आप चीप पीसी कैबिनेट लेते हो उनकी जो वायर्स होती है ना वो एनवायरमेंटल हैजार्डियस होती है। तो मतलब जब आप फ्यूचर में चीप पीसी कैबिनेट को अपग्रेड करोगे, उसे हटाओगे, उसे फेंक दोगे ना, तो जो उसकी वायर्स होती है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है, वो एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सोचा आप लोग को बताया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप एक अपने लिए पीसी कैबिनेट ले रहे हो तो आप अपने लिए अच्छे से एक डिसाइड कर सको। मे भी हो सकता हो ब्रांडेड कैबिनेट थोड़े से महंगे ज़रूर आते हो, बट मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ इट वर्थ। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो
तो फ्यूचर में और आपको कैबिनेट की क्वालिटी में उसका फ़र्क देखने को मिलता है। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।